सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व शुक्रवार को जटाशंकर गुरुद्वारे में श्रद्धा के साथ मनाया गया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया है। उन्होंने बताया कि 553वां वर्ष पहले जब देश में पाप बढ़ गया था तथा दलित लोगों को सताया जा रहा था तथा शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था, तब गुरु नानक देव का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी तथा नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया तथा सभी वर्गों के लिए समान काम किया। उन्होंने कहा, सभी लोग एक समान हैं तथा कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सभी एक ही भगवान की संतान हैं। उन्होंने धार्मिक एकता के लिए देश की सेवा की है तथा उन्होंने चारों दिशाओं का भ्रमण किया तथा देश का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश पर्व में पंजाब से आए कथावाचक ज्ञानी मनमोहन सिंह निमाड़ा ने गुरु नानक देव के जीवन उपदेशों पर विस्तृत विचार कर श्रद्धालुओं को गुरु इतिहास से रूबरू कराया। इस अवसर पर जगनैन सिंह उर्फ नीटू, राजेंद्र सिंह, तेजिंदर सिंह, धर्मपाल सिंह, चरणप्रीत सिंह, गगन सहगल, विशाल राहुजा, दौलत राम, केशव मृगवानी, रघुवीर सिंह, सतनाम सिंह, मनजीत सिंह, मनप्रीत उप्पल, मनोज आनंद, दीपक सिंह, अशोक मल्होत्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, मैं जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का 553वां प्रकाश पर्व आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा
जटा शंकर गोरखपुर में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी 553 वर्ष पहले प्रकाश हुआ था उनका, जब देश में बहुत पाप पड़ गए थे, दलित लोगों को बहुत सताया जाता था, इष्ट शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था, ऐसे अंधकारमय समय में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। नारी शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, दलित लोगों के लिए उन्होंने विशेष काम किया, उन्होंने कहा कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब मनुष्य एक समान है, सभी प्रभु के एक संतान है। उन्होंने एक ओंकार कहा, ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं है, उसी से सब प्रकाश अवतरित हुए हैं। तो इस तरह श्री गुरु नानक देव जी ने देश को उत्थान के लिए, सामाजिक एकता के लिए, धार्मिक एकता के लिए बहुत सी सेवा की है। उन्होंने अपने जीवन काल में 4 यात्राएं की हैं धर्म प्रचार के लिए। वो चारों दिशाओं में पैदल गए हैं, मक्का मदीना तक भी गए हैं, पूरे भारत का भ्रमण किया है, नेपाल का किया है, चाइना का, इन सब देशों का भ्रमण करते हुए उन्होंने अपना प्रचार किया, देश का प्रचार किया है, भारत की एकता के लिए उन्होंने बहुत काम किया है।